नमस्कार। नैनीताल डायरी के अपनी इस दूसरी कड़ी में मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा नैनीताल के आसपास बनी तमाम झीलों की सैर पर। इनमें कई झीलें हैं, जैसे भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये देखने लायक झीलें हैं और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं। तो रास्ते भी इनके बहुत खूबसूरत हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है और देखने में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी भीड़ जुटती है। तो चलिए आज की इस कड़ी में आपको इन झीलों की सैर करा दूं। देखते रहिए और मुझे उम्मीद है आपको जचेगा, और अगर जचे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास का इलाका तालों यानी झीलों के लिए मशहूर है। इनमें सबसे बड़ी तो नैनीताल की नैनी झील है, लेकिन उसके अलावा सात ताल, भीम ताल और नौकुचिया ताल जैसे कई दूसरे ताल भी हैं जहां सैलानियों की भारी भीड़ जुटती है। हम सुबह सुबह निकले हैं सबसे पहले सात ताल के लिए। पहाड़ की घुमावदार सड़कों को नापते हुए, धूप और छांव के बीच आंख मिचौली करते हुए हम पहुंचते हैं भवाली बाजार। यहां का टीबी सैनिटोरियम किसी दौर में पूरी दुनिया में मशहूर था। टीबी यानी तपेदिक के मरीज देश भर से हवा पानी बदलने के लिए यहां आते थे, उनमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थी। बाजार में काफ़ी भीड़ है। यहाँ से निकलकर हम बढ़ते हैं सात ताल के रास्ते पर। सात ताल चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। यहाँ भी झील में नैनीताल की तर्ज पर बोटिंग का इंतजाम है। कुमायूं के सभी तालों में सात ताल का सौंदर्य बेहद अनोखा है। सात ताल झील नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम आसपास के सात तालों को मिलाकर पड़ा है। इसकी यही खासियत है कि सात तालों का सिलसिला इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सात ताल कहते हैं। झील के ठीक किनारे ही तमाम होटल हैं। झील को देखने के बाद हमने भी पेट पूजा करने का फैसला किया, खासकर इन पहाड़ों में जब जहां जो मिले खा लेना चाहिए। अगला होटल कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। पेट पूजा करने के बाद हम निकले हैं भीमताल की ओर। भीमताल में कोई मिल गया समेत कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। हमारे ड्राइवर घनश्याम विस्तार से बताते हैं कि कहां हीरोइन ठहरी थी और कहां हीरो।
नैनीताल एक त्रिभुजाकार झील है। इस झील के बीच में एक टापू है जहां नाव से पहुंचा जा सकता है। उस टापू का इस्तेमाल पिकनिक स्थल के तौर पर होता है। नैनीताल की खोज होने से पहले भीमताल को ही ज्यादा महत्व मिलता था। पौराणिक कथा के मुताबिक इसे पांडव भाइयों में से भीम ने बनाया था, इसलिए इसका नाम भीमताल पड़ा। भीमताल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नल दमयंती ताल है। माना जाता है कि मशहूर राजा नल का महल इसी ताल में डूब गया था। कुछ देर यहाँ गुजारने के बाद हम बढ़ रहे हैं नौकुचिया ताल की ओर। इसके टेढ़े मेढ़े 9 कोने हैं। इलाके के लोगों में मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही नजर से इस ताल के 9 कोनों को देख ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि 7 से अधिक कोने एक बार में नहीं देखे जा सकते। इस ताल में कई तरह के खेलों की भी व्यवस्था है। यहाँ से आगे का रास्ता नहीं है, आगे जाने के लिए फिर पीछे की ओर लौटना होगा। वापसी में नैनीताल से कोई 3 किलोमीटर पहले है हनुमान गढ़ी मंदिर। यहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। हमने वहाँ नीचे सुरंग से होकर दूसरे देवी देवताओं के भी दर्शन किए। शाम ढलने के साथ ही पहाड़ियों का मौसम तेजी से बदलने लगा है। तालों की सैर में पूरा दिन कैसे गुजर गया इसका एहसास ही नहीं होता। लेकिन अब वापस लौटते समय थकान हावी हो रही है और हम बढ़ चले हैं अपने आशियाने की ओर।